The nature of social responsibility. Here I have three people. Nature of social responsibility. ठीक है? अच्छा, what is social responsibility? Social responsibility की definition आपने इस chapter के बहुत शुरू में पढ़ ली थी. अब मैं दोबारा आपको उसको revise करवाती हूँ कि social responsibility is what? Social responsibility is a business obligation to maximize its positive impact and minimize its negative impact. ठीक है? क्या है? कि अपने एक पॉजिटिव इमेज को मजीद पॉजिटिव करना और नेगेटिव इमेज को मजीद आगे उसको मिनिमाइज करना, ताकि लोगों में जो एक आपके बारे में गलत राय है वो खत्म. हर ऑर्गेनाइजेशन के कुछ एथिक्स होते हैं. अगर हम देखें तो हमने इस चैप्टर में शुरू में जो एथिक्स पढ़ने शुरू किए थे, तो बिजनेस एथिक्स क्या थे? एथिक्स आर सम प्रिंसिपल्स एंड स्टैंडर्ड, ठीक है ना, टू कंडक्ट ए बिजनेस. जिसमें फिर आपने उसके रोल ऑफ एथिक्स के बारे में पढ़ा कि रोल ऑफ एथिक्स इन ए बिजनेस क्या है, बिजनेस में एथिक्स की इम्पोर्टेंस कितनी ज्यादा है, उसके बारे में आपने डिटेल में पढ़ा. उसके अलावा फिर उसके बाद नेक्स्ट आपने कुछ एथिकल इश्यूज पढ़े थे कि कौन कौन से ऐसे एथिकल इश्यूज हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन में देखने को मिलते हैं. उसमें उनका एब्यूजिव और इंटिमिडेटिंग बिहेवियर था टुवर्ड्स एम्प्लॉइज, फिर अपने लोगों के साथ झूठ बोलना, उनकी इंफॉर्मेशन को अपने पास विदहोल्ड करके रखना, और सबसे बड़ी जो देखने में मिलती है अनएथिकल बिहेवियर वो होता है कि डिस्क्रिमिनेशन. वो इम्तियाज करते हैं, फर्क करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कलर, जेंडर, एज या कोई भी वजह बना के किसी के साथ कोई फर्क करें. तो ये सारी चीजें, फिर स्टीलिंग था, थेफ्ट था, ये तमाम चीजें आपने पढ़ी थी कि ये अनएथिकल इश्यूज हैं और इन अनएथिकल इश्यूज को ऑर्गेनाइजेशन को देखना चाहिए और इन इनको जो भी इन पे काम करता है, लाइक जो इन अनएथिकल बिहेवियर्स को जो आगे बढ़ाता है उसके बारे में जो पनिशमेंट्स हैं या उसके बारे में जो भी इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करना चाहिए. तो ये चीजें आपने लास्ट टाइम इसमें पढ़ी थी. आज हम जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज व्हाट, इट्स अ बिजनेस ऑब्लिगेशन टू मैक्सिमाइज इट्स पॉजिटिव इम्पैक्ट एंड मिनिमाइज इट्स नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी. फिर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन की किस तरफ होती है, ये आपकी बुक में भी लिखा हुआ है और मैंने यहाँ भी लिख दिया है आपको कि हर ऑर्गेनाइजेशन की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की जब एक आपको नजर आ रहा है ना, एक ट्राइंगल टाइप बना हुआ है इसके अंदर, ये चार सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. मैम पेज नंबर बता दें. ये पेज नंबर 59 है आपके पास, नेचर ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. इसमें सबसे पहले इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फिर लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फिर एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उसके बाद वॉलेंट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी है. हैव यू गॉट दैट? यस मैम. ठीक है, इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी हर ऑर्गेनाइजेशन की होती है कि अगर वो किसी भी मुल्क में उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है तो सबसे पहले काम तो उनका ये है कि उनको प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाना है. ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है कि इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी प्रॉफिटेबल. इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी प्रॉफिटेबल. नंबर टू इज व्हाट? लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी. लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, जो कि हम बिजनेस लॉ साथ में पढ़ रहे हैं. लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हर ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए ये कि वो अपने तमाम जो भी उसकी लॉ की कार्रवाई है उसको करके रखे, अपनी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, लॉज एंड रेगुलेशंस को, अपने डॉक्यूमेंट्स को, अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को, अपने अपने प्रॉस्पेक्टस को, अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को, ये तमाम जो भी उसके नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उन पे वो पूरा काम करके रखे, उसकी ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है. और वो अपना जो भी काम करे वो कानून के दायरे कार में रह के करे. ठीक है, ये इसकी दूसरी जिम्मेदारी होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की. फिर उसकी तीसरे लेवल पे जिम्मेदारी क्या आती है जी? एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी. और एथिक्स के बारे में आपने पिछले पूरा आधा चैप्टर पढ़ लिया है कि हर ऑर्गेनाइजेशन की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू डू व्हाट इज राइट एंड नॉट टू डू व्हाट इज रॉन्ग. यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखी हुई है ना आपकी बुक में, एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू व्हाट इज राइट एंड नॉट टू डू व्हाट इज रॉन्ग. तो उनको पता होना चाहिए क्या ठीक है क्या गलत है, तो उसको फॉलो करें और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के मुताबिक अपनी
इस एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी को जरूर अपने एक मंशूर में रखें कि उनको एथिक्स को निभाना है हर हाल में. उसके बाद लास्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है वॉलेंटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी. वॉलेंटरी का मतलब ही रजाकाराना तौर पे होता है. तो वॉलेंटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुराद क्या है? इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बीइंग ए गुड कॉर्पोरेट सिटीजन एंड कंट्रीब्यूटिंग टू द कम्युनिटी एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ. राइट, ये ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिसमें उनको ये चाहिए कि वो उस इलाके में, जिस इलाके में वो काम कर रहे हैं, वहां एक अच्छे कॉर्पोरेट सिटीजन बन के रहे. क्या होता है तो कॉर्पोरेट सिटीजन यहाँ नेक्स्ट मैं बताती हूँ कॉर्पोरेट सिटीजन वो कैसे बन सकते हैं. कॉर्पोरेट सिटीजन इट इज ए एक्सटेंड टू व्हिच द बिजनेस मीट ऑल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्लेस्ड ऑन देम बाय देयर स्टॉक होल्डर्स. ठीक है, कॉर्पोरेट सिटीजनशिप, सिटीजन का मतलब है कि शहरी, और कॉर्पोरेट मींस कि अगर वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है तो वो उस इलाके की एक शहरी है और उस शहरी को कहेंगे कॉर्पोरेट सिटीजनशिप. और वो एक अच्छी शहरी कैसे बन सकते हैं कि वो इन तमाम चार की चार सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छे से मीट करें, इनको निभाएं, ताकि वो जो भी उनके स्टॉक होल्डर्स हैं, स्टॉक होल्डर्स कौन लोग होते हैं, उनके इंटरेस्ट के लोग, उनके इंटरेस्ट के लोग से मुराद उनके कंज्यूमर्स, उनके वेंडर्स, उनकी जनरल पब्लिक, उनकी ऑर्गेनाइजेशन, उनकी हुकूमत, ये तमाम लोग क्या हैं, ये लोग जो हैं ये कॉर्पोरेट्स, ये इनके सारे स्टॉक होल्डर्स हैं. तो हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने स्टॉक होल्डर्स के जो जो भी उनकी तरफ उनकी जिम्मेदारियां बनती हैं उनको अच्छे से परफॉर्म करें. उसके बाद ये नेक्स्ट स्लाइड अगर आप देखें तो ये है अबाउट आर्गुमेंट्स, आर्गुमेंट्स फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आर्गुमेंट्स अगेंस्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. कि अब कुछ जो बड़े हेड होते हैं बिजनेस के वो ये कहते हैं कि भाई हमारा क्या काम है कि हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करें, हम तो अपना बिजनेस करेंगे, हम क्यों लोगों की जिम्मेदारी उठाएं, हम क्यों माशरे की जिम्मेदारी उठाएं. तो यहाँ पे कुछ आर्गुमेंट्स हैं. पहला आर्गुमेंट है, कुछ आर्गुमेंट्स इसके फेवर में है और कुछ आर्गुमेंट्स इसके अगेंस्ट हैं. आर्गुमेंट्स फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या है? तो नंबर वन, बिजनेसेस क्रिएट मैनी ऑफ द सोशल प्रॉब्लम्स. ठीक है, यहाँ ये कह रहे हैं कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड प्ले ए रोल इन सॉल्विंग. बिजनेसेस के पास बहुत सारे ऐसे हैं कि वो प्रॉब्लम्स बहुत क्रिएट कर रहे हैं, तो उनकी जिम्मेदारी है कि फिर वो उनको सॉल्व भी करें. ठीक है, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. मतलब वो इतनी पोल्यूशन करते हैं तो अब क्या मतलब है कि वो सिर्फ गलत काम ही कर सकते हैं, वो माशरे की तरफ कुछ अच्छा नहीं कर सकते. पहला आर्गुमेंट ये है. आपको मिल गया ये आर्गुमेंट जहां से मैं पढ़ा रही हूँ आपको, पेज नंबर 60 पे? यस मैम, यस मैम. और देखें यहाँ ये इन्होंने पॉइंट्स में लिखे हैं, आर्गुमेंट्स फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आर्गुमेंट्स अगेंस्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ पहला तो आर्गुमेंट ये है कि लोग कहते हैं अगर आप प्रॉब्लम करते हैं तो आप उस प्रॉब्लम को फिर कवर भी करें. दूसरा आर्गुमेंट क्या है जी? बिजनेसेस शुड बी मोर रिस्पॉन्सिबल बिकॉज दे हैव फाइनेंशियल एंड टेक्निकल रिसोर्सेज व्हिच इंडिविजुअल्स डू नॉट हैव. वो ये कहते हैं कि आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप किसी माशरे की भलाई इस तरह से कर सकते हैं क्योंकि आपके पास लोग बहुत हैं, आपके पास फाइनेंस है, आपके पास टेक्निकल पावर है, तो आप तो बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, जबकि एक इंडिविजुअल क्या कर सकता है. तो ये उनका आर्गुमेंट मानने का है, हम मान सकते हैं कि उनके पास बहुत मैन पावर होती है. लाइक अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के पास 300 इम्प्लाईज हैं और 300 इम्प्लाईज को वो 300 पौधे दे दें और उन्हें कहें जी आप अपने अपने इलाके में ये एक एक पौधा लगाया है, तो क्या है ये बहुत अच्छी बात है. वो 300 लोग उस पूरे इलाके में कहीं ना कहीं से तो आते होंगे ना, वहां वो पे वो अगर वहां प्लांटेशन कर देते हैं तो ये प्लांटेशन किसके फायदे की है, ये हमारी सोसाइटी के फायदे की है. तो ये एक तरह का उनका, उन्होंने अपनी मैन पावर को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए इस्तेमाल किया. उसके बाद नेक्स्ट है जी, एज ए मेंबर ऑफ सोसाइटी बिजनेसेस शुड डू देयर फेयर शेयर टू हेल्प अदर्स. ये फिर वो कहते हैं कि जी ऑर्गेनाइजेशन आखिर तो मेंबर ऑफ सोसाइटीज हैं ना, तो उनको भी अपना रोल प्ले करना चाहिए, उनको चाहिए कि वो माशरे के लिए जो बेहतर कर सकती हैं वो करें. और फिर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसीजन मेकिंग बाय बिजनेसेस कैन प्रिवेंट एक्स्ट्रा गवर्नमेंट रेगुलेशंस. और उनसे फिर गवर्नमेंट का बोझ भी कम हो जाएगा अगर हर ऑर्गेनाइजेशन जिस भी इलाके में है वो अपनी थोड़ी सी जिम्मेदारी निभाने शुरू कर दे, तो इससे वहाँ की जो गवर्नमेंट्स हैं उनके बोझ में कमी आ सकती है. और उसके बाद अगला आर्गुमेंट इसके लिए है जी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नेसेसरी टू इंश्योर द इकोनॉमिक सर्वाइवल. और ये इनको जरूरी पड़ेगी
क्या होगा कि ये लोगों की नजर में अच्छे बन जाएंगे, इनका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा, लोग इनको जानेंगे, लोग इनकी तारीफ करेंगे, तो इसलिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको बहुत अच्छे से निभानी चाहिए। उसके बाद अगर अगेंस्ट की बात करें कि कुछ लोग कहते हैं कि नहीं जी हमें ऑर्गेनाइजेशन का कोई काम नहीं है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ,